आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में दूरदर्शन रेडियो से उत्तम है क्योंकि विकल्प एक में कहा गया बालक दूरदर्शन को पसंद करते हैं, दूसरा कहा गया आसानी से उपलब्ध है, तीसरा कहा गया दोनों ज्ञानेंद्रियां यानी आँख एवं कान ज्ञानार्जन में प्रयुक्त होती है, चौथा कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सहायक शिक्षण सामग्री वह सामग्री है जिससे ज्ञानार्जन में यानी ज्ञान अर्जन करने में सुविधा हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बालक या कोई भी जितना चित्र या हम कह सकते हैं कोई चार्ट, कोई डायग्राम के माध्यम से किसी शिक्षा को जल्दी ग्रहण करता है। यदि हम किसी चार्ट को देखें, किसी चित्र को देखें या किसी डायग्राम को देखें तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं उसे लिखित में देखने की बजाय। अतः बात यहाँ पर है टेलीविज़न की, दूरदर्शन की। तो टेलीविज़न की यदि हम बात करें तो इसमें हमें चित्र भी मिलेगा और हमें सुनने के लिए भी सामग्री मिलेगी। अतः इसे सीखना बहुत ही आसान रहेगा, यह सुविधाजनक है। अब चलते हैं अपने विकल्पों की ओर। बालक दूरदर्शन को पसंद करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं पता कि दूरदर्शन उन्हें पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन इसका कोई शिक्षण सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कहा गया आसानी से उपलब्ध है, तो इसका भी कोई शिक्षण सामग्री से लेना देना नहीं। तीसरा जो कहा गया है कि आँख एवं कान दोनों ज्ञानार्जन में प्रयुक्त होती है, यह बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हमें चित्र भी मिलता है और सुनने के लिए भी सामग्री मिलती है। और चार नंबर विकल्प हमारा गलत होगा, विकल्प तीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।